हर साल 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ सके। इसकी शुरुआत विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने 10 अक्टूबर 1992 को की थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप हैं क्वाराफ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में सब कुछ। दोस्तों, शारीरिक बीमारी के बारे में तो हम सारी चीजें जानते हैं और साथ ही इसका इलाज भी मिल जाता है, लेकिन आज की इस जिंदगी में मानसिक बीमारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। दरअसल लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील और जागरूक करने के उद्देश्य से ही 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। इसके बाद साल 1994 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यूजीन ब्रॉडी के सुझाव के बाद विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को एक थीम के साथ मनाने की शुरुआत की गई। सन 1994 में पहली बार दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। इस बार की थीम सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज्यादा से ज्यादा पहुँच रखी गई है। ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देशों में मानसिक रोगों से बचने और उनके नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह भी मनाया जाता है। आज दुनिया में कई सारे लोग डिप्रेशन या फिर किसी न किसी और मानसिक बीमारी के शिकार हैं। ये बीमारी आज के दौर में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका एक काला पक्ष हमने सुशांत सिंह की आत्महत्या के साथ देखा था। हर दूसरा व्यक्ति इससे ग्रस्त है। लोगों को मानसिक रोग की चपेट में आने से कई बार आत्महत्या का ख्याल भी आता है। ऐसे में विश्व को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं वे अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में वे अन्य लोगों से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अन्य लोगों से जुड़े और उनसे अपने मन की बात करें। अपने परिवार और अपने करीबियों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप खुद को लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नेगेटिव करते हैं। यदि आप उनकी बातें सुनकर तनाव महसूस करते हैं तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो पॉजिटिव हैं। ऐसा करने से आप खुद ही भी पॉजिटिव फील करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।